तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एक नए ब्लॉग में स्वागत है। से हम एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और अभी मैं हूं जोधपुर में और अभी हम जा रहे हैं मेहरानगढ़। भाई जी ये देख सकते हो ब्लू सिटी जोधपुर, जिसमें आपको कुछ घर ब्लू कलर के दिखाई दे रहे होंगे। ये देखो, और ये प्राचीन घर हैं और गलियाँ देखो भाई, पतली पतली है बिल्कुल ही। फाइनली 2-3 किलोमीटर चलने के बाद ये देखो मेहरानगढ़ फोर्ट की दीवार आ चुकी है, ये दिखाई दे रही है। ये ऊपर मेहरानगढ़ फोर्ट की दीवार है और अभी आगे चलते हैं और आपको पूरा फोर्ट दिखाते हैं। गाइज ये देख सकते हो पीछे मेहरानगढ़ फोर्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और ये जो आसपास के जो घर हैं ये भी सारे वैली टाइप के घर हैं और सारे प्राचीन उसी ज़माने के बने हुए हैं जब फोर्ट बना था, ये देख सकते हो। और कुछ घरों के ब्लू कलर है इसलिए इस शहर को ब्लू सिटी कहा जाता है जोधपुर को। भाई जी यहाँ पे ये देख सकते हो, ये है मेहरानगढ़ दुर्ग और ये इसके पास में ही तालाब बना हुआ है और सुबह सुबह का देखो क्या व्यू आ रहा है मज़ेदार। और ये इधर मेहरानगढ़ दुर्ग की दीवार है। तो काफ़ी देर होगी हमें चढ़ाई करते हुए और इस फोर्ट की चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि ये काफ़ी ऊँचाई पर बना हुआ है और एक पहाड़ी पर फोर्ट बना हुआ है जो आपको जोधपुर में हर जगह से दिखता है और ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा है इसकी। तो गाइज फाइनली इन घुमावदार रास्तों से अभी मेहरानगढ़ फोर्ट पहुंचने वाले हैं और ये इधर देख सकते हो हमने काफ़ी चढ़ाई कर ली है और ये देखो यहाँ से ऐसा व्यू आता है, पूरा हरा भरा है, हरियाली है पूरी। ये देखो इधर, और अभी लगभग थोड़ी दूर रह गया। गाइज ये पीछे देख सकते हो, ये फोर्ट में जब आते हैं तो ये गेट बना हुआ है और ये काफ़ी पुराना गेट है और जब यहाँ पे मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया था उसी टाइम ये गेट बना था साथ में। और इधर ये देख सकते हो छोटी छोटी दीवारें हैं, ये भी सब दुर्ग की हैं। और इधर ये देखो, इधर भी ये छोटे छोटे घर बन रखे हैं, ये जो यहाँ पे मेहरानगढ़ दुर्ग में जो जॉब करते हैं ये सब उनके लिए बना हुआ है। इधर आज काफ़ी लंबी जर्नी के बाद फाइनली ये देखो मेहरानगढ़ फोर्ट दिख गया है और काफ़ी लंबी जर्नी करके आए थे इधर से। और गाइज ये देखो सामने मेहरानगढ़ फोर्ट दिख रहा होगा आपको, गाइज सच में बहुत बड़ा फोर्ट है ये, ये देखो आते हैं गाइज और आपको एकदम पास में जाके दिखाते हैं। गाइज ये देखो इधर है मेहरानगढ़ फोर्ट और ये बिल्कुल इसके सामने, ये देखो ये इस पहाड़ी पे बना हुआ है दुर्गा माता का मंदिर, ये देखो गाइज। और अभी हम पहले चलते हैं फोर्ट की तरफ और पहले आपको फोर्ट दिखाते हैं जो सामने है और फिर जाएंगे मंदिर की तरफ। और राजस्थान के सबसे बड़े दुर्गों में से एक है, यह देख सकते हो। और यहाँ पे यह देखो टूरिस्ट कितने सारे आ रहे हैं, यह देखो। तो गाइज जैसे जैसे मेहरानगढ़ की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे देखो इसका साइज बढ़ता ही जा रहा है। ये देखो गाइज ये मेहरानगढ़ दुर्ग है और ये नीचे तालाब बना हुआ है जिसमें अभी ज़्यादा पानी नहीं है, इसमें थोड़ा ही पानी है। तो गाइज अभी फाइनली बिल्कुल आ चुके हैं मेहरानगढ़ के पास और ये देखो मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा मेहरानगढ़ फोर्ट। अभी इसके अंदर चलते हैं और कितनी टिकट है वो भी आपको बताते हैं, जाते हैं पहले टिकट लेते हैं और इसके अंदर चलते हैं और आपको इसके अंदर दिखाएंगे क्या क्या है। वैसे देखो ये देखो ऐसा दिखाई देता है बाहर से तो देखने पे, अभी अंदर जाके आपको पूरा दिखाते हैं। ये जो आपको पार्किंग दिख रही है ये जो इस मेहरानगढ़ फोर्ट में जो काम करते हैं उन सब के लिए ये पार्किंग, और इन बाइक से अंदाजा लगा सकते हो कि कितने लोग इस दुर्ग के अंदर काम करते हैं। ये देखो गाइज कितनी सारी बाइकें खड़ी हैं, और अगर आप कोई वाहन लेके आते हो तो उसकी पार्किंग उधर है सामने, और वैसे पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो गाइज यहाँ पर पूरा फोर्ट का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन साथ में, ये देखो ये देखो गाइज पता नहीं क्या बना क्या रहे हैं लेकिन काम जरूर चल रहा है यहाँ पे। और ये देखो जो यहाँ पे इवेंट होते हैं उनका दिया हुआ है, और ये बिल्कुल मेहरानगढ़ फोर्ट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से ऐसा दिखता है। इधर देखो गाइज पूरी जोधपुर सिटी आपको दिख रही होगी लेकिन आज पता नहीं धुंध आ रखी है इसलिए ज़्यादा साफ नहीं दिख रही। और ये इधर देखो मेहरानगढ़ फोर्ट, और यहाँ से इसकी एंट्री है, अभी अंदर भी आपको पूरा दिखाएंगे
तो ब्लॉग पूरा देखना। और जैसे ही मेहरानगढ़ दुर्ग के एंट्री गेट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है और इस पे साफ लिखा हुआ है कि आप सेल्फी स्टिक, ट्राईपॉड वगैरह जो भी इस बोर्ड पे लिखा हुआ है वो अंदर नहीं लेके जा सकते। फाइनली गाइज यहाँ से एंट्री करते हैं और ये है किले का मुख्य द्वार जो इस किले के अंदर जाने के लिए यूज में आता है और इसका नाम जयपोल है। और यहाँ से सबसे पहले एंट्री करते ही टिकट वगैरह लेनी होती है और इसके प्राइस इस पे देख सकते हो आप, वैसे भारतीयों के लिए तो 200 रुपये है और वैसे आप इसको पूरा देख लेना, गाइड वगैरह के भी यहाँ पे प्राइस लिखे हुए हैं। और ये देखो गाइज टिकट काउंटर के पास ही मेहरानगढ़ फोर्ट का पूरा 3D मैप बना हुआ है जो कितना शानदार लग। तो फाइनली गाइज अपने ने एंट्री कर ली है और वो जो सामने द्वार दिख रहा है वो देखो दूसरा द्वार आ गया इस किले का। पहले अपने एक द्वार को पार करके आए थे तो अभी इससे भी अंदर चलते हैं। अपने मेहरानगढ़ फोर्ट के दूसरे दरवाजे पे आएंगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे आपको निशान दिखाई देंगे तोप और गोले के जो इस द्वार में आपको दिख रहे हैं, ये 1808 में जो युद्ध हुआ था उसके निशान हैं सारे। और इसी दरवाजे के पास में देखो गाइज ये एक तोप रखी हुई है और यहाँ से पूरा जोधपुर शहर भी दिखाई देता है। फोर्ट के तीसरे दरवाजे के पास आ चुके हैं, इसका नाम है लोया पोल। और यहाँ पे देखो दोनों साइड आपको दरवाजे के ऊपर हाथों के निशान दिखाई दे रहे हैं, तो ये उन रानियों के हैं जो यहाँ पे सती हुई थी। ये जो हाथों के निशान है ये रानियाँ यहाँ पे सती हुई थी तो इनके हाथों के निशान यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी अपनों ने मेहरानगढ़ फोर्ट का एक और दरवाजा पार कर लिया है, इसका नाम है सूरज पोल। और अभी ऊपर चलते हैं गाइस, चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, देख सकते हो कब से चढ़ रहे थे। और ये देखो यहाँ से ऐसा व्यू आता है। उस स्थान पे आ गए हैं जहाँ पे जोधपुर के राजाओं का राज तिलक किया जाता था। और ये जो सामने आपको स्थान दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे जोधपुर का नया राजा बनता था उसका राज तिलक यहाँ पे बिठा के किया जाता था। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग प्रकार की पालकियाँ रखी हुई है जो राज परिवार के लोग यूज में लेते थे और विवाह शादियों में। अभी अपने मेहरानगढ़ फोर्ट में और ऊपर की ओर आ चुके हैं और ये जो देख सकते हो टेंट है, जब भी राजा शिकार वगैरह पे जाते थे जंगल में तो यही टेंट वहाँ पे लगाते थे जहाँ पे शिकार करने के लिए जाते थे। तो ये देख सकते हो गाइस यही टेंट होते थे, राजा साथ में लेके जाते थे। और ये मेट वगैरह जो आपको दिखाई दे रही है ये सभी यूज करते थे राजा जब भी शिकार पर जाते थे। तो गाइस फाइनली अपने आ चुके हैं शीश महल में और ये देखो शीश महल है जो मेहरानगढ़ फोर्ट का बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। और इसकी नक्काशी देखो गाइज बहुत ही शानदार है और अभी ये सोचो कि 400 से 500 साल पुराना हो गया लेकिन अभी भी देखो गाइज बहुत ही शानदार लग रहा है। पे देख सकते हो पूरे ऐसे घुमावदार रास्ते हैं और सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ देखने को मिलेगी, बहुत हाइट पर है गाइज ये फोर्ट और ऐसे ही घुमावदार रास्ते बने हुए हैं पूरे फोर्ट में। अभी अपने आ गए हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के फूल महल में जिसका निर्माण महाराजा अभय सिंह जी ने करवाया था और इसके छत पर बहुत ही आकर्षक फूल पत्तियां और राज परिवार के सदस्यों के चित्र भी बने हुए हैं। और ये भी देख सकते हो गाइज मोती महल की तरह बहुत ही शानदार है और इसकी नक्काशी देखो गाइज और ये नीचे से कुछ ऐसा है। अभी हम प्रवेश कर चुके हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के शस्त्रागार में और यहाँ पे देखो गाइज युद्ध में प्रयोग लिए जाने वाले छोटे से लेके प्रत्येक बड़ा हथियार आपको देखने को मिलेगा, जैसे बंदूक है, तलवार है, भाला है, मुकुट वगैरह है, सुरक्षा कवच है, देख सकते हो मतलब कि जो भी युद्ध में यूज होता था वो सब कुछ यहाँ पे शस्त्रागार में रखा हुआ है। और देख सकते हो अभी भी इनकी कंडीशन बहुत ही अच्छी है। अभी हम आ चुके हैं तख्त विलास में
और इस तख्त विलास का निर्माण महाराजा तख्त सिंह जी ने करवाया था और यहाँ पर खुद महाराजा तख्त सिंह भी रहा करते थे। और महाराजा तख्त सिंह ही वो जोधपुर के अंतिम शासक थे जो मेहरानगढ़ फोर्ट में रहते थे। यहाँ से देख सकते हो गाइज, एक नज़र में आपको पूरा जोधपुर शहर का नज़ारा दिखाई देगा। और यहाँ से जो नीचे से ऊपर रास्ते आते हैं वो देख सकते हो। और ये अभी जो आप देख पा रहे हो, ये है मेहरानगढ़ फोर्ट का सबसे बड़ा रूम, मतलब ऐसे होल टाइप है और इसे मोती महल कहते हैं। और ये गाइज मेहरानगढ़ फोर्ट है ना, इसका सबसे बड़ा रूम है, आप देख सकते हो। अभी अपने जैसे ही मोती महल से बाहर निकले हैं तो सामने देख सकते हो भगवान श्री कृष्ण जी का जो प्राचीन मंदिर है वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अभी भी पूजा अर्चना होती है। अपने जैसे ही मेहरानगढ़ फोर्ट में ऊपर की ओर आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बड़े साइज की कुछ कढ़ाइयाँ रखी हुई है जो प्राचीन समय में यूज में होती थी। अभी आ चुके हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के सबसे ऊपरी भाग में और यहाँ देख सकते हो चारों दिशाओं में बड़ी संख्या में तोपों की तैनाती की गई है। ये देख सकते हो एक कतार में, देखो गाइज, और ये बहुत ही बड़े साइज की तोप यहाँ पे है। अभी चलते हैं चामुंडा माता मंदिर की ओर। और ये जो चामुंडा माता है गाइज, वो जोधपुर के राज घराने की इष्ट देवी हुआ करती थी। और ये जो इस मंदिर में मूर्ति है, ये पहले जोधपुर की जो प्राचीन राजधानी हुआ करती थी मंडोर, वहाँ पे थी। और जब ये जोधपुर दुर्ग बनाया गया मेहरानगढ़ फोर्ट, तो राव जोधा वहाँ से ये मूर्ति यहाँ पे ले आए और यहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर बनाया। राव जोधा के बाद से ही जोधपुर के लोगों की भी चामुंडा माता के प्रति आस्था बढ़ती चली गई। और आज ये देख सकते हो गाइज, जोधपुर के लोगों का प्रमुख जो केंद्र बना हुआ है। और यहाँ पे बहुत ही भारी संख्या में भक्त लोग आते हैं दर्शन करने। और चामुंडा माता के मंदिर से नीचे देखने पे गाइज कुछ ऐसा व्यू आता है और जैसा कि जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो आपको कुछ घर ब्लू कलर के दिखाई भी दे रहे होंगे। ये देख सकते हो गाइज, देखो काफ़ी घर हैं ब्लू कलर के, ऊपर से कम दिखाई दे रहे हैं लेकिन जैसे आप मोबाइल फ़ोन को या कैमरे को जूम करके देखोगे और या इन गलियों से गुजरोगे तो आपको पता चलेगा काफ़ी बड़ी संख्या में ब्लू घर आपको दिखाई देंगे। तो गाइज फाइनली मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जाके आ चुके हैं। और आपने भी देखा होगा तो बहुत सारा प्राचीन सामान रखा हुआ है, बाले से लेके वस्त्र शस्त्र तक सब कुछ रखा हुआ है। और अभी हम चलते हैं जसवंतथड़ा, जो बिल्कुल मेहरानगढ़ दुर्ग के पास में ही है।